अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एस एम यूसुफ़ की बुक मैथमेटिकल मेथड जो है उसकी एक्सरसाइज 8.4 है। इसमें जो है हमारे पास है यूज़ द अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट टू डिटरमाइन वेदर द गिवन सीरीज कन्वर्जिस। अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट को यूज़ करना है और हमें बताना है कि जो सीरीज दी गई हैं हमें वो कन्वर्जिस हैं। अल्टरनेटिंग सीरीज कौन सी होती है हमारे पास? पहले जो हम अब तक करते हैं वो सीरीज़ कुछ इस फॉर्म में होती थी, 1, 2, 3, 4 सोन, इस फॉर्म में हमारे पास होती थी सीरीज। इस तरह से कुछ आती थी हमारे पास, ये हमारे पास सीरीज थी। अब जो है हमारे पास सीरीज होंगी 1 -2 -3 -4, मतलब एक प्लस में आ रही, एक माइनस में, एक प्लस में, एक माइनस में, इस फॉर्म में आ रही। जो इस फॉर्म में आए उसे हम कहते हैं अल्टरनेटिंग सीरीज, ठीक है। उस पर जो अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट होगा वो क्या होगा, उसमें दो कंडीशन होती है जो सेटिस्फाई होनी होती हैं। अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो हम उससे कहते हैं कि ये जो है हमारे पास कन्वर्जिस है। फर्स्ट कंडीशन क्या है हमारे पास, ए एन गिवन होता है। ए एन जो है हमारे पास उसका डेरीवेटिव, ए एन का डेरीवेटिव जो है हमारे पास लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, लेस देन ज़ीरो होना चाहिए, मतलब डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक हो गया। और सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि हमारा लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ए एन जो है वो इक्वल ज़ीरो के आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे कि देन सीरीज इज कन्वर्जिस, कन्वर्जेंट बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट, ए एस टी, अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट। क्या होगा हमारे पास जो अल्टरनेटिंग सीरीज होगी उसमें हमने के दो कंडीशन अप्लाई करनी, अगर वो सेटिस्फाई हो तो हम कहेंगे वो कन्वर्जिस हैं बाय अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट से। जो सी मर्जी कंडीशन आप पहले कर सकते हैं, डेरिवेटिव लेंगे सीरीज का अगर वो लेस देन जीरो आ रहा हो और उसकी उस पर लिमिट अप्लाई करें यानी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी वो जीरो की इक्वल आ रही हो तो वो हम सीरीज़ क्या होगी, कन्वर्जेंट हो जाए। अगर दोनों में से कोई एक कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं हो रही तो वो सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। जो सी मर्जी कंडीशन आप पहले सेटिस्फाई करवा सकते हैं। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें अल्टरनेटिव सीरीज दी गई है, वो कैसे पता चल रहा है? ये देखिए, ये 2 से स्टार्ट हुई, एन की जगह अगर हम 2 रखते हैं तो प्लस 1 आएगा, मतलब ये जो है हमारे पास प्लस वाली फॉर्म में आ जाएगा। अगर हम 3 रखेंगे एन की जगह माइनस में आएगा, माइनस में, फिर मतलब यानी कि अगर हम यहाँ पे पावर में एन जो है वो अगर हम एन इवन नंबर रख रहे हैं तो हमारे पास ये पॉजिटिव आएगी, अगर ऑड रख रहे हैं तो हमारे पास नेगेटिव आएगी। तो जाहिर सी बात, पहले एक नेगेटिव होती, एक हमारे पास इवन नंबर होता है, एक ऑड, एक इवन, एक ऑड, इस फॉर्म में होते हैं, तो हमारे पास एक प्लस, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस की फॉर्म में आ जाएगा। तो ये अल्टरनेट सीरीज है, हमने दो कंडीशन अप्लाई करनी। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है कि इसका डेरिवेटिव लेना है, कि हम हमारे पास ए एन क्या है, ए एन हमारे पास है 1/n ln n, हमने सिर्फ ये चीज लेनी है, ठीक हो गया। ये हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव लेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू n, इसका हमने डेरिवेटिव लेना है। तो वो हमारे पास क्या आएगा, -d/dn एन एल एन एन ओवर एन एल एन एन का होल स्क्वायर। तो जाहिर बात ये नेगेटिव आ रहा है, लेस देन ज़ीरो है, फर्स्ट कंडीशन जो है इस पर फुलफिल हो गई, इसका डेरिवेटिव लिया, हमारे पास नेगेटिव आ गया, फर्स्ट कंडीशन फुलफिल हो गई। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे, उसमें क्या था, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल ज़ीरो आना चाहिए। अभी हम करते हैं लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास क्या, 1/n ln n, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे 1/∞ आ जाएगा, समथिंग ओवर इन्फिनिटी ज़ीरो, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई। अब हम लिखेंगे बोथ द कंडीशंस ऑफ ए एस टी अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट आर सेटिस्फाई, सेटिस्फाइड, तो फिर इसका मतलब क्या होगा, सीरीज इज कन्वर्जिस, ठीक हो गया। हमने इस पहले तो डेरिवेटिव लेना है एन का, लेस देन जीरो आ जाए और फिर उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे यानी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी इक्वल जीरो आ जाए, तो हम क्या करेंगे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है तो हम कहेंगे ये क्या है हमारे पास, कन्वर्जिस, ठीक हो गया। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। अब देखिए, इसमें जो -1 की पावर n या n-1 n+1 इस तरह कुछ दिया है, जिससे ही पता चले ये अल्टरनेटिंग सीरीज है कि नहीं। हमारे पास जब भी कोस n पाई आएगा तो हम उसे कैसे लिखेंगे, समेशन 1 to infinity -1 की पावर n ओवर n
पाई स्केयर रूट, मतलब कॉस एन पाई की जगह हम क्या लिखेंगे, माइनस वन की पावर एन। ऐसा हम क्यों लिखेंगे, क्योंकि माइनस वन की पावर अगर हम एन लेते हैं उसमें इवन नंबर पुट करने से हमारे पास जो है इवन नंबर पुट करने से हमारे पास पॉजिटिव आता है और ओड नंबर पुट करने से हमारे पास नेगेटिव आता है, मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आता है। कॉस एन पाई में भी ऐसे ही होता है, अगर हम वन पुट करते हैं तो पाई बन जाता है, टू पुट करते हैं टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, मतलब एक ही माइनस वन, एक पे कॉस आंसर माइनस वन देगा, एक पे प्लस पे, फिर माइनस वन, फिर प्लस वन, फिर माइनस वन, प्लस वन, मतलब वो भी इसी फॉर्म में देता है। इसलिए हम कॉस एन पाई की जगह माइनस वन की पावर एन लिख सकते हैं। ठीक हो गया, अब हम इसे सॉल्व सिंपल वैसे ही करेंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर वन किया है। ए एन हमारे पास क्या है, वन ओवर एन पाई का स्केयर रूट, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है, ए एन का डेरिवेटिव लेना है, ये इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा वन ओवर स्केयर रूट पाई, हम इसका डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एन, तो पाई कांस्टेंट है ना, इसलिए वन ओवर स्केयर रूट पाई आ गया, और वन ओवर स्केयर रूट एन जो है उसका डेरिवेटिव हमारे पास आएगा माइनस वन ओवर टू एक्स की पावर थ्री ओवर टू, तो नेगेटिव आ रहा है तो ये लेस देन जीरो आ गया। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, अब सेकंड कंडीशन, उसमें हमने क्या करना है, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन। ठीक हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास क्या है, वन ओवर स्केयर रूट एन पाई। ठीक हो गया, इसमें लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, बोथ the conditions of AST alternating series test satisfy हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, the series is कन्वर्जेंस हो गई। ठीक हो गया, आगे हम क्वेश्चन नंबर थ्री करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर थ्री है, अब देखिए वन की जगह एन की जगह वन पुट करें जीरो, मतलब ये पॉजिटिव आ जाएगा, वन एन की जगह टू पुट करें टू माइनस वन वन, तो ये हमारे पास माइनस वन, मतलब एक प्लस वन एक माइनस वन एक प्लस वन एक माइनस वन, हमारे पास अल्टरनेटिव सीरीज आ रही है। अब हम ए एन लिखते हैं, ए एन हमारे पास क्या है, एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एन। ठीक हो गया, ए एन का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा एन स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर, एन स्क्वायर प्लस वन इसका डेरिवेटिव टू एन, माइनस एन स्क्वायर इसका डेरिवेटिव टू एन, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, टू एन क्यूब प्लस टू एन माइनस 2n क्यूब ओवर n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया और हमारे पास क्या आ गया, ए एन का डेरिवेटिव 2n ओवर n स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। ये जो है हमारे पास लेस देन ज़ीरो कब होगा, अगर हमारे पास जो n है वो लेस देन ज़ीरो होगा, अगर n नेगेटिव होगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव। इसमें ज़रा देखेंगे सेकेंड वाली कंडीशन, ये पहली वाली कंडीशन आप लोग ना भी करें तो भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये सेकंड कंडीशन में देखें जरा, एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, और ए एन हमारे पास है एन स्क्वायर, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर ओवर एन स्क्वायर प्लस वन, एन स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एन स्क्वायर कॉमन ले लिया, वन प्लस वन ओवर एन स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया, लिमिट अप्लाई करेंगे वन ओवर वन प्लस वन ओवर इन्फिनिटी समथिंग ओवर इन्फिनिटी जीरो, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, वन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन जो है वो हमारे पास वन की इक्वल आ गया, जो जीरो की इक्वल नहीं है, जीरो की इक्वल आना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है ये जीरो की इक्वल नहीं आया, तो ये हमारे पास जो कंडीशन है सेटिस्फाई नहीं हुई, तो ये सीरीज इज डाइवर्जेंट हो जाएगी, कंडीशन ऑफ ए एस टी इज नॉट सेटिस्फाई द सीरीज इज डाइवर्जेस। ठीक हो गया,
कोई सी एक कंडीशन भी सेटिस्फाई ना करे तो ये डाइवर्जेंट हो जाता है। आप सिर्फ ये वाली कंडीशन कोई सही करवा देते ना कि इनकी ये सेटिस्फाई नहीं करी तो हम इसे कहते थे कि ये डाइवर्जेंट है, कन्वर्जेंट नहीं है। ठीक हो गया, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, ये भी अल्टरनेटिव सीरीज है, तो हम ए एन क्या लेंगे इसमें, 1/e की पावर n, इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव जो है वो आएगा -e की पावर -n/e की पावर 2n, ये लेस देन ज़ीरो है, नेगेटिव आ गया, लेस देन ज़ीरो है। अब सेकंड कंडीशन देखेंगे अल्टरनेटिव सीरीज टेस्ट की, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास क्या है, 1/e की पावर n, तो ये हमारे पास क्या आएगा, लिमिट अप्लाई करेंगे 1/∞, समथिंग ओवर इन्फिनिटी क्या आता है, 0। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाई, the series is convergent। ठीक हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें एन हमारे पास है n+4/n² + n। ठीक हो गया, इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, फर्स्ट कंडीशन में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे हम नीचे वाली वैल्यू का स्केयर, अब नीचे वाली वैल्यू लिखनी है, ये मतलब डिनोमिनेटर d/dn, डिनोमिनेटर मतलब ऊपर वाली वैल्यू, माइनस ऊपर वाली वैल्यू d/dn नीचे वाली वैल्यू। ठीक हो गया, ये आ जाएगा n² + n, इसका डेरिवेटिव हमारे पास आ जाएगा 1, ये n+4 है, n+4, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा 2n+1, इसका 2n और इसका 1, नीचे वाली वैल्यू वैसी रहेगी n² + n का होल स्केयर, ये हमारे पास बन जाएगा n² + n, इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आ जाएगा -2n² - n - 8n - 4/n² + n का होल स्केयर, ये आ जाएगा -n², ये इसे कैंसिल आउट हो गया -8n - 4, माइनस कॉमन आ जाएगा सब में से, तो n² + 8n + 4/n² + n का होल स्केयर, लेस देन ज़ीरो आ गया, कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड वाली कंडीशन जो वो अप्लाई करते हैं हम, सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या होती है, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास है n+4/n² + n, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है, तो इस पर एल हॉपिटल रूल लगा दे, या फिर ऐसे भी कर सकते, ऊपर से n² कॉमन ले, नीचे से n² कॉमन ले, वो कटिंग हो जाएगा, जो मर्जी कर सकते हैं, मैं इधर एल हॉपिटल रूल लगा रही हूँ, बाय एल हॉपिटल रूल। ठीक हो गया, उसके अकॉर्डिंग इसका डेरिवेटिव 1 + 4 का डेरिवेटिव 0 होता है, इसका डेरिवेटिव 2n, इसका डेरिवेटिव 1, लिमिट अप्लाई करेंगे समथिंग ओवर इन्फिनिटी इक्वल 0 होता है, क्यों, अगर आप एल हॉपिटल रूल लगाए बगैर, मतलब यानी कि ऊपर में से भी n² कॉमन ले, नीचे से भी n² कॉमन ले के दोनों कटिंग कर दे, तब भी हमारे पास ये 0 ही आएगा आंसर। ठीक हो गया, बोथ दी सीरीज, सॉरी बोथ दी कंडीशंस ऑफ ए एस टी मतलब अल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट आर सेटिस्फाई, द सीरीज इज कन्वर्जिस। ठीक हो गया, अब हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, ए एन हमारे पास है ln n/n, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू n, तो हमारे पास ये फर्स्ट कंडीशन है, ये ए एन का डेरिवेटिव हमारे पास आएगा n² n,
इसका डेरिवेटिव 1 ओवर एन माइनस एल एन और इसका डेरिवेटिव 1, मतलब ये एन से एन कट कैंसिल हो गया, हमारे माइनस कॉमन लेने तो हमारे पास आएगा एल एन एन माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर, ये हमारे पास लेस देन 0 आ गया। अब हम सेकंड कंडीशन करेंगे, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ए एन हमारे पास है एल एन एन ओवर एन, ठीक हो गया, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन रही है। एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, एल हॉस्पिटल रूल, ठीक हो गया, लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एल हॉस्पिटल रूल के अकॉर्डिंग ऊपर का लैदा और नीचे का लैदा डेरिवेटिव एल एन, एन का डेरिवेटिव 1 ओवर एन आता है और एन का डेरिवेटिव 1, मतलब 1 ओवर एन आ गया, इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे 1 ओवर इन्फिनिटी वो इक्वल 0 के आता है। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई कर गई, बोथ द कंडीशंस आर सेटिस्फाई, the series is convergent, ठीक हो गया, ये alternating series वाले जो थे वो ख़त्म हो गए हैं। आगे absolutely convergent, deconditional और divergent जो है वो हमने करना है, वो next lecture में करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।